आप कश्मीरी हिंदुओं के विषय पर भी बड़े मुखर होते हैं, तो धारा 370 हटे को लगभग लंबा समय हो गया है, 45 से हट चुकी है, लेकिन अब तक लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग कश्मीर में जारी है और वहाँ उनके लिए भी अभी तक कोई प्रॉपर व्यवस्थाएँ नहीं कही, जिस तरह की बातें आ रही थी कि उनके लिए व्यवस्था होगी। देखिए, जो कश्मीर का विषय है, मैं इसलिए मुखर होता हूँ क्योंकि जो कश्मीर का विषय है वो सिर्फ कश्मीर का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय बन चुका है और देश में हम लोग ऐसे बहुत स्थान देख रहे हैं जो इस समय कश्मीर बन चुके हैं। वहाँ से हिंदुओं का या तो पलायन हो रहा है, वहाँ पे या तो संपत्ति खरीदी जा रही है और वहाँ पे हम कभी वापस जा नहीं सकते हैं। तो ये जो समस्या उभर के आई है, मुझे लगता है इस समस्या का एक ही निराकरण है, एक ही समाधान है कि हम सारे सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर न्याय मांगना पड़ेगा, चाहे सरकार के सामने चाहे कोर्ट के सामने। हम सब जानते हैं कि चाहे पनून कश्मीर हो, चाहे रूट्स इन कश्मीर हो, इन सब लोगों ने, सारे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका की थी कि जो वहाँ पे नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उसका संज्ञान लिया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए, पर उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो सबसे पहली मूलभूत लड़ाई अगर आपको कश्मीरी पंडितों के लिए और रेस्टोरेशन के लड़नी है, तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो 1992 में हुआ वो जेनोसाइड था, जो 1989 में हुआ वो नरसंहार था, जेनोसाइड था, और तभी उन लोगों को न्याय मिल सकता है, तभी वो लोग वापस जा सकते हैं। आज तक इस देश ने इतने सालों में माना ही नहीं कि वो जेनोसाइड है, वो नरसंहार है। ये तो विवेक अग्निहोत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने एक पिक्चर बनाई और लोगों के अंदर इतनी जागृति आई, नहीं तो बहुत से लोगों तो आज भी लीगल पर्सपेक्टिव से, मैं बात रख रहा हूँ लीगल पर्सपेक्टिव से, आज तक इस देश की एक भी न्यायालय ने उसको जेनोसाइड और नरसंहार घोषित नहीं किया। अध्यक्ष थे जो साथ में एक जो केस था वो जितेंद्र जी करके बिसेन जो है, तो वो उनने बयान दिया गया था कि भाई हटाने को लेकर कि हम उन्हें जो है इस केस से हटा रहे हैं, तो वो क्यों और किस बात को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 मई 2022 को ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ। 8 तारीख को जितेंद्र सिंह बिसेन, जिसके पैरोकार हैं राखी सिंह, ने उनको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जो उसमें हमारी 5वीं महिला थी, और उन्होंने 8 मई 2022 को बयान दिया कि मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। जब 6 और 7 तारीख का सर्वे हो गया था और मस्जिद के अंदर का सर्वे होना था 14, 15 और 16 मई को, तो केस विड्रॉ करने का बयान किसने दिया? और जो हमारी बाकी 4 महिला याचिकाकर्ता थी, उनको होटल बुलाया गया, काफी पैसों का लालच दिया गया और कहा गया कि केस आप भी वापस। उसमें मैं सम्मिलित हुआ था, तो उसमें मूल विषय यह है कि जो हमने अपने बाल्यकाल से हमेशा इस नारों के बीच में जन्म लिया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, आज वो पल हम सबके बड़ा निकट है जब 14 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उस पल के हम सब लोग साक्षी होने वाले हैं। ऐसे क्षण में जब राम मंदिर का फैसला आ चुका है, तो सारे राम भक्तों के साथ रह के रामनवमी को एक साथ मनाने का जो काम था वो हम सब लोगों ने किया, और साथ ही साथ आगे जो हमारे मंदिर हैं जो इस समय इस्लामिक आक्रांताओं के कब्जे में हैं, उन सबको मुक्त कराने के लिए माननीय पालीवाल जी से बहुत डिटेल्ड रूप से हमारी चर्चा हुई। 2 ऐसे कानून हैं जिस पे पालीवाल जी और हमने अपनी बहुत चिंता व्यक्त की, और स्पेशली पालीवाल जी का उसमें काफ़ी चिंता भी थी, जैसे है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वफ एक्ट 1995। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में हम सब जानते हैं कि 5 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है और हम सबकी यही योजना है, यही मनोकामना है कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि ये ऐसा काला कानून है जो हिंदुओं को कोर्ट जाने का रास्ता बंद करता है। नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को पारित किया था और इस कानून के जो प्रावधान है वो बहुत ही ड्रैकोनियन है, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज कोर्ट जा सकता है, पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हिंदू समाज को कोर्ट जाने के लिए उनके दरवाजे बंद किए गए। इस कानून को हमने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और आगामी 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई है, और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और जानकारी मिली है, ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जिनको मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो उसका अगर हमें प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं हम और उसकी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे, जैसे ही हमें यथोचित तथ्य मिल जाते हैं, उसके सारी एविडेंसेस कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव हो, चाहे मौका मुआयने की जो पोजीशन हो, तो उस पर भी लीगल कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी माननीय पालीवाल जी से बहुत डिटेल्ड रूप से चर्चा हुई इस बारे में, बुरहानपुर के अंदर जो जामा मस्जिद है,
2008 में वहाँ पे दंगे हुए थे और वहाँ करीब 15 से 16 ऐसी दुकानें हैं जो हिंदू समाज के और सिंधी समाज के लोगों की थी जिनको जला दिया गया, और आज भी 15 साल बाद भी उनको उनकी दुकानों पे वापस स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका भी इस विषय पे भी काफ़ी गंभीर रूप से चर्चा हुई और ये सहमति बनी है कि अगर वो जितने लोग अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो अपने प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उनके लिए भी लीगल कार्रवाई यथोचित हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे लड़ी जाएगी। अच्छा भाई साहब, एक विषय ये